दरअसल तो ये था बोनलेस चिकन, तो ब्रार कह रहे हैं कि हमने चिकन से बायकॉट किया हुआ, चिकन का रेट क्या है, लेकिन 700 पे चला गया। नहीं लिया हमने, लिया हमने, नहीं लिया हमने, एक मुर्गी करवा, वो चिकन नहीं है, वो चिकन रही हूँ। आपको पालक ली है, आलू प्याज ले रही है। ब्रार को मैंने इधर कहा खुली इमली पूछे, तो ब्रार को तो शर्म ही आ जाती। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबको, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पिज़्ज़ा किचन एंड ब्लॉग। तो जी आज संडे है, तो मैं जा रही थी संडे मार्केट कुछ चीज़ें लेने, रमज़ान आ रहा है जैसे कि रमज़ान की शॉपिंग भी करनी है, तो चलें फिर मुलाकात करते हैं उधर ही चल के। तो चलें जी, बस अब ब्रार बाहर चले गए हैं, तो गाड़ी उन्होंने निकाल ली है बाहर। ब्रार यहाँ पर बैठे हुए हैं पापा जी के साथ, वेट कर, नहीं नहीं पापा जी मेरी कभी भी नहीं करते ना पापा जी। पापा जी इसमें तो आपने सब कुछ कह दिया। तो चलें फिर जहाज पे। ब्रार ना रात की वो लेके आए हुए हैं, क्या उसे चिरोकी जीप, जीप, जीप लेके आए हुए हैं, वो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, वो देखें। तो पापा जी के बकोर पापा जी कहते हैं ओ ले आयो, तो हूँ तुम पेट्रोल पंप पे ना जरा अपने ना करा लो, क्योंकि उसमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा डलता है। तो अब हम सोच रहे हैं हम उसी में ही जाते हैं अपनी धनों में, वो जो खड़ी है 5000 का डलवाया, कुछ पता ही नहीं चला। तो चलें फिर। ये बच्चे देख लें, आज संडे है ना, तो पापा जी इन्हें इस तरह से बाहर ले के आ जाते हैं। तो ये फिर से साइकिलिंग स्कूटी गाड़ियाँ वगैरह निकाल के तो कर रहे होते हैं। रोजा मेरा है तो लग जैसे आपको रहा है। ये क्या हुआ है, आपका भी रोजा है, चिरी रोजा है। ये रबिया सब्जियां ले रही है, आज सब्जी बाजार को लूट रही है। मॉडल मार्केट क्या लिया है? मैं ले रही हूँ पालक ली है, आलू प्याज ले रही हूँ भाई, पालक काट दे 3 किलो और साथ में मिर्चे काट दे, हाँ एक पाव काट दे, और टमाटर काट दे 4 किलो, टमाटर काट दे 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो काट दे टमाटर, ये ढीले ढीले ना डालिएगा। नहीं व्हाइट की अपनी ग्रेस है, नहीं नहीं व्हाइट की ज्यादा ग्रेस है। चलें जल्दी करें, अभी हमने आगे आटा चट्टा भी लेना है। ओके हाय अल्लाह मुश्किल विद रोजा, नहीं नहीं तुम्हारा रोजा, मेरी आंख नहीं खुली, उससे मैं शैतान के साथ लड़ रहा था। फिर जीत किसकी हुई है, आपकी क्या शिता? अभी ना उसकी हुई है ना मेरी हुई है, बस दिल में बोझ सा बन गया। नहीं नहीं बोझ ना बने आपके दिल पे कभी भी। ब्रार को मैंने इधर कहा खुली इमली पूछे, तो ब्रार को तो शर्म ही आ जाती। ऐसा ऐसा क्या है, खुली इमली पूछने में कैसी शर्म है, है? पता नहीं। नहीं आपको तो पता होना चाहिए आपको शर्म। नहीं वैसे कहीं इमली लेने जाओ तो अगला आपको शक की निगाहों से देखता है, पता नहीं क्यों। तब हमें मिल गई ना, आपने कहा थी तरह से नहीं मिलेगी। 640 हमने नहीं लेना, हमने बड़ा महंगा चिकन रहने दो, हमने बायकॉट किया हुआ है, हमने बीफ ही खा लेंगे रहने दो। नहीं बीफ नहीं मटन खा लेंगे। चिकन नहीं खाना है, चिकन में बायकॉट है, चिकन नहीं खाना, ये चिकन नहीं है,
नहीं ये चिकन थोड़ी है, हमने चिकन अभी भी नहीं लिया। चिकन वो होता है 4 किलो 5 किलो 6 किलो क्यों रुशाद भाई, ये चिकन है ना ना वो भी बाइकआउट रखी है। ये हमने जितना लिया ना हमने यही रमजान में चला, रमजान तक चलेगा देख लेना। मैंने चांद रात को ना इसके मैंने टिक्के बनाने हैं मसाला लगा के भी रख देना इसको। दरअसल ये था बोनलेस चिकन, तो ब्रार कह रहे हैं कि हमने चिकन से बायकॉट किया हुआ है, चिकन का रेट कह लें कि 700 पे चला गया, तो अब मजबूरन लेना ही पड़ गया। नहीं लिया हमने, लिया हमने नहीं लिया, हमने एक मुर्गी करवा, वो चिकन नहीं है, वो चिकन नहीं, वो चिकन नहीं है, वो रबड़ है, रबड़। ब्रार ने कहा वो रबड़ है चिकन नहीं है। मैंने वो है देसी मुर्गी हो जाए, देसा मुर्गा हो, देसा दा राजा वो वाला मुर्गा हो, तो दरअसल बोनलेस इसीलिए चाहिए होता है कि स्पैगेटीज बन गई, मैक्रोनीज, शामी कबाब, इस तरह की चीजें। और नहीं इसलिए चाहिए होता है कि बच्चे की प्लेट में रखा जाए कि बच्चा देखे अंदर कुछ है, लेकिन उसको चिपकाया जाए प्लेट के साथ। चाइनीज चीजें मैंने इस्तेमाल हो गया। चार मॉडल है, प्रोस्पेक्टिव ओरिजिनल फुल ऑप्शन, ये इतना सा चिकन लिया हमने, लेकिन टोटल जेन्युइन गाड़ी है, डिमांड 20-50। तो जब यहाँ पर बाहर वाले जितने भी काम थे वो सारे खत्म हो गए थे, अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके मैं इफ्तारी का बंदोबस्त करूँगी और मैंने जीटी चलानी सीखनी है, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। 2 कप मैंने यहाँ पर चने लिए हैं बॉयल के, जिसके अंदर एक मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज, एक टमाटर और इस तरह से एक स्मॉल साइज़ का ही मैंने आलू बॉयल करके मैंने इसके अंदर डाल लिया। खीरे ऑप्शन है अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं। और इसके अंदर मैंने डाला 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही मैंने डाला इसके अंदर चाट मसाला, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ पर दही, दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे और इस तरह से हम डाल देंगे इसके ऊपर, दही को भी फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी यहाँ पर चाट मसाले की। और साथ ही अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर चटनी, मैं डाल दूँगी इमली की चटनी, ये भी होममेड चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चटनी डालने के बाद फिर इसके अंदर हम डाल देंगे पापड़ी, पापड़ी भी ये देखिए इस तरह से इसे हम क्रश कर लेंगे चूरा सा करके, इसके ऊपर हमने तब डालें जब आपने इसको कह लें कि सर्व करनी है, अदरवाइज इससे पहले ये कह लें कि सॉफ्ट सी हो जाएगी मज़ा नहीं आएगा। फिर थोड़ी सी चटनी डालेंगे इमली की जो मीठी वाली, देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की हमारी जो पापड़ी चाट रेडी हुई। अब साथ ही हम बना लेंगे, यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्पैगेटीज। 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल के डाल के उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने डाला प्याज और लहसुन चॉप किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया है चिकन। चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, कलर चेंज होते ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक 1 टीस्पून और इधर मैं डाल रही हूँ अब सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, तीनों चीज़ें मैंने डाली हैं 4 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर ब्लैक पेपर डाल दूँगी 1 टीस्पून, आप अपने कहने के टेस्ट के मुताबिक ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। और इसकी जो है फुल रेसिपी भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हम डाल देंगे इसके अंदर हम डाल देंगे गाजर, देखिए इसे मैंने क्यूब की एकल में यहाँ पर कट कर लिया और साथ ही अब इसके अंदर हम डाल देंगे, इसे हमने फ्राई करना है सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। और आप डालेंगे इसके अंदर शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च ज़्यादा टाइम नहीं लेते। और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी, बंद गोभी डाल दे ही हमने जो है ना इसके अंदर डाल देनी है स्पैगेटी, तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर बंद गोभी। बंद गोभी के साथ ही मैं यहाँ पर अब डालूँगी इसके अंदर केचप डालूँगी, कह लेंगे थोड़ी चिली चिली सी हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे स्पैगेटीज डालेंगे, थोड़ा सा इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने स्पैगेटीज डाल दी इसके अंदर, मज़ेदार सी स्पैगेटीज समझे कि हमारी भी रेडी है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलें जी फिर आप लेते हैं कपड़े और खाने शुरू करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।